हेलो गाइस, दिस इज समी वाडकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यार ईबीसी स्कॉलरशिप का डेट कब स्टार्ट होगा, कब हम अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, हम लाइक फ्रेशर है, फर्स्ट ईयर में अभी हमने अप्लाई करना चाहते हैं यार, कॉलेज से बोला है कि ईबीसी स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई करना होगा, बट इसका डेट कब स्टार्ट होगा। मे बी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से भी होंगे जिनको यार रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है, तो गाइज वो भी डेट कब स्टार्ट होगा ये थोड़ा दिमाग में। तो गाइज बहुत सारे कमेंट्स और पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे, तो गाइज आई थॉट टू मेक वीडियो ऑन दिस। सो गाइज सबसे पहले मैं यार आपको वेबसाइट पे जाके बताता हूँ कि यार एक्चुअल में क्या होता है, और आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कि कब स्टार्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ईबीसी स्कॉलरशिप अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर का ही है, अभी यहाँ पे बताया है कि क्लोज है। तो गाइज यहाँ पर मैं अभी आपको बताता हूँ कि यार ईबीसी स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगा, मेरा खुद का अजम्पशन, लाइक इवन आई एम अप्लाइंग फॉर ईबीसी स्कॉलरशिप फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। तो गाइज मैंने देखा है कि कौन से टाइम पे ईबीसी स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन होता है और कब क्लोज होता है। तो गाइज रिसेंटली 2 ईयर से तो यार कोरोना चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ है यार, लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, एंड उसका जो डेडलाइन था वो था मार्च में, और आई गेस बाद में जाके और एक्सटेंड किया था डेट कोरोना के कंडीशन में। सो गाइज दिस ईयर ऑल्सो आई एम गेसिंग दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम जैन 2022, और उसका जो डेडलाइन रहेगा वो मार्च 31, 2022। तो गाइज इस पीरियड में आपको अप्लाई करना है जैन से लेके मार्च 31 तक, ठीक है, 2022। और गाइज अगर आप ये वीडियो अगर फ्यूचर में देख रहे हो जहाँ पे कोरोना एक बिल्कुल भी नहीं है, तो देन गाइज ईबीसी स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होता है, बेसिकली अगस्त मंथ में स्टार्ट होता है, और उसका जो डेडलाइन है ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर तक रहता है। तो गाइज अगस्त से आपको प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज अगस्त में ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं फ्रेशर्स के। तो गाइज बिकॉज ऑफ कोरोना एडमिशन लेट हो रहे हैं, तो यार जो जिसका जो डेडलाइन है वो भी एक्सटेंड किया जाता है हर साल। सो आई होप इस वीडियो से आपको जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए रहेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है ईबीसी रिलेटेड, देन गाइज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।